हमारी कॉलोनी में हम लोग के नाम से लगातार कंप्लेंट है। सबसे पहले संतोष कौर जी, फिर कांग्रेस यहाँ। नमस्कार, रविंद्र गोता जी जनरल मैनेजर है। बहुत बहुत बधाई, ये जिसमें सिल्वर मेडल आपने लिया है भारतीय टीम की ओर से, एशियन गेम्स में भी खेला है टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ, जिसमें कि देखिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस छोटे से शहर से और मैं कहूँगा पंजाब सूबे से ये हमारे तीन गर्ल्स और एक बॉय, चार लोग ओलंपियंस हैं हमारे पास। ये ऐसा मौका ज़िंदगी में किसी को दोबारा नहीं मिलता कि चार ओलंपिक्स के साथ, चार ओलंपियंस के साथ समय बिताए, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि अब हमारा जो ये सूबा है, इस सूबे में हॉकी को एक नया जोर मिलेगा। सब लोगों के सामने जीते जागते उदाहरण रहेंगे तो देख के हर बच्चा जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और ये जो हमारी फैसिलिटी है हॉकी की, अच्छी है। अब इसमें जो सुधार हो सकेगा, जो बढ़ाव हो सकेगा, हम करेंगे। और जो हमारे एक्सपर्ट्स बाहर से खेल के आ रहे हैं, ये सब एक्सपर्ट्स हैं। जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है पिछले ओलंपिक्स में, उसकी कोई बराबरी नहीं। तो जो इनके कुछ सजेशंस आएंगे, दे हैव सीन बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ आउटसाइड। जो हमसे बन पड़ेगा हम लोग इनके लिए पूरा इंतजाम करेंगे। देखिए आर सी एफ में हमारे पास हर किस्म के खेल के लिए सुविधाएं हैं। हमने जो हमारा फील्ड गेम्स के लिए एथलेटिक ट्रैक है, वो जॉगिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक हमने अभी चेंज किया है, पूरा नया बनाया है। उसके साथ में हमारे पास बास्केटबॉल के कोर्ट्स हैं। अभी हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम है, उसका पवेलियन बना रहे हैं। ये पवेलियन बनाने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद रणजी लेवल का खेल यहाँ हो सकेगा, पूरा इंतज़ाम यहाँ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास फुटबॉल का इंतज़ाम है, जो स्पोर्ट्स हैं सबका पूरा इंतज़ाम हमारे पास है। जी देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस में यहाँ कोई उसका मैच तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस हम हमेशा उत्साह के साथ मनाते हैं, वो भी होगा। यहाँ हम किस्म किस्म के कार्यक्रम करते हैं। हमारे पास एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सभी कामों को पूरा करती है, तो ये लोग मिलके प्रोग्राम्स करेंगे, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली थैंक्स मैं जीएम सर का करना चाहती हाँ, तो साडा स्पोर्ट्स परिवार का थैंक्स करना चाहती हाँ जिन्होंने सानू इन्ना मान सम्मान दिता, तो साडे लिए बहुत वधिया, बहुत बहुत ज़्यादा वड्डी गल है। तो आने वाले अगले टूर्नामेंटा च भी मैं आशा करती हाँ कि असी इदा परफॉर्म करिए। हाँ जी, अगले साल साढ़े बहुत मेजर टूर्नामेंट्स ने, जिदा कि एशियन गेम्स, कॉमनवैल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, तो साड़ी आही कोशिश रहेगी कि असी वधिया प्रदर्शन करके आइए। हाँ जी, कुछ 10 दिन बाद साड़ी दोबारा ट्रेनिंग शुरू होएगी बैंगलोर, जिते साड़े कैंप लग